हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब के हमारे चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, पीसीएस, यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी हम स्टडी रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आप अपने स्टडी को बूस्टअप कर सकते हैं। जो भी आपके मित्र, सहयोगी, फ्रेंड्स, साथी, जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, देखते हैं क्या लेटेस्ट न्यूज आई है रिक्वायरमेंट की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि बीपीएससी, ठीक है फ्रेंड्स, बिहार लोक सेवा आयोग, इसका लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है, आया हुआ है। ये ऑफिशियल साइट है, जो कि क्या लेटेस्ट रिक्वायरमेंट आया है तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ के फुल डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे देखते हैं, ये 29 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया है। इम्पोर्टेंट नोटिस, महत्वपूर्ण सूचना, एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट बीपीएससी पटना, ठीक है फ्रेंड। एडवर्टीजमेंट नंबर 8/2018। तो फ्रेंड्स, क्या लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है क्लिक करके देखते हैं। ये पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, असिस्टेंट की जो है वैकेंसी आई हुई है बीपीएससी में, बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो फ्रेंड्स, क्लिक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिहार लोक सेवा आयोग का जो एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है, ये डाउनलोड हो गया है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। विज्ञापन संख्या 8/2018, कुल 51 पदों की बहाली होनी है, जिसमें आपको अनारक्षित जनरल का 30 सीट है, अनुसूचित जाति का 6 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति की 1 सीटें हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी की 7 सीटें हैं, पिछड़ा वर्ग की 6, पिछड़े वर्ग की महिलाएं की 1 सीट है। इस तरह कुल 51 सीटें हैं, ठीक है फ्रेंड। महिलाओं के लिए 35% जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व है। शैक्षणिक योग्यता आपको स्नातक रखी गई है। आपको आवेदन के अंतिम तिथि तक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उम्र जो है आपकी, जो है बिहार गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो एज की उम्र में वो दी गई है सारी, न्यूनतम 21 वर्ष, और जनरल के लिए, पुरुष के लिए 37 वर्ष, महिला अत्यंत पिछड़ा के लिए 40 वर्ष, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 42 वर्ष। ये सब सारी सूचनाएं वैसे हैं, ऐसे कुछ नहीं है। चयन प्रक्रिया कैसे, इसका प्रोसेस होगा, तो फ्रेंड्स इसमें दो चरण, प्रथम प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आवेदन की संख्या अगर 40,000 से कम हो गई तो प्रारंभिक परीक्षा नहीं लिए जाने के संबंध में, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आवेदन की संख्या 40,000 से कम है तो जो है एक ही परीक्षा ली जाएगी, ऐसा ये अनुमानित कर रहे हैं। अगर 40,000 से एबव है तो प्री और मेंस ज़्यादा होगा, ठीक है फ्रेंड। जो भी डिसीजन है, तो इसका जो एग्ज़ाम है, प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो दिया गया है। जनरल नॉलेज की होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन के 50%, सामान्य विज्ञान एवं गणित के 50, और मानसिक क्षमता के लिए 50, ठीक है। 150 होगा, जो कि आपके 2 घंटा 15 मिनट समय दिया जाएगा।
प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का होगा। प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, आप बुक वगैरह जो भी है ले जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिलेबस दिया गया है, जो जो सामान्य अध्याय में आएंगे समस्याएं की जो भी है, सारे जीएस के जो सारे इससे बन रहे हैं। ठीक है, साइंस वगैरह के जो भी हैं, रीजनिंग वगैरह के। ठीक है फ्रेंड्स, जा मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे, सामान्य हिंदी, इसमें आपको 30% लाना है अनिवार्य है, मेगा सूची में इसको नहीं जोड़ा जाएगा। और सेकंड है सामान्य ज्ञान पेपर टू। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी की 150 की होगी इनकी भी संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता, रीजनिंग है ये। ठीक है फ्रेंड्स, शुल्क वगैरह जो है 600 रुपया रखी गई है। ये आपके रिजर्वेशन के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी रिक्वायरमेंट आई है ये 51 पोस्ट के लिए आई है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिहार लोक सेवा आयोग की जो वैकेंसी निकली हुई है असिस्टेंट की अकाउंट पोस्ट की, उसमें आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नेसेसरी है, कैसे फिलअप करना है, ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये प्रोसेस दिया गया है। आपको बीपीएससी की वेबसाइट पर जाना है, ऑनलाइन बीपीएससी बिहार .in पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टैब पे क्लिक करना है, यूजर नेम और पासवर्ड, उसके बाद आपको प्राप्त होगा, जो आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी सूचना है सब फिलअप करेंगे। आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ज़रूरी है, जो कि फ्यूचर के लिए आप इसको रखे रहेंगे। स्टेप टू, आपको पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, अगले दिन आपको पेमेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिलिंग ऑफ ऑनलाइन अगले तिथि को 11 बजे के एप्लीकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपको पेमेंट किया जाएगा, इसके लिए आपको 15 KB का हस्ताक्षर और फोटो 25 KB का होना चाहिए, JPG के फॉर्मेट में। ये सब सारी सूचनाएँ हैं, सबमिट लास्ट में आप कर देंगे अपलोड करने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड आपको एक एप्लीकेशन नंबर के साथ मिलेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपना जो है यूजर नेम, पासवर्ड भविष्य के लिए सुरक्षित रखेंगे, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी समस्या हो तो इस सारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए दिया गया है और हमने संपर्क के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सारी सूचनाएं थी जो वैकेंसी निकली हुई है 51 पोस्ट असिस्टेंट की, तो उसको आप जल्द से जल्द फिलअप करें। इसका जो है स्टार्टिंग में 31 कल से हो रहा है, कल से अप्लाई इसका होने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप अपना कीमती समय दिए, आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। जो भी क्यूरी हो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो भी क्यूरी हो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जो भी आपके मित्र, सहयोगी, साथी, फ्रेंड्स जो भी हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
उन्हें ज़रूर शेयर करें जिससे कि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके। वीडियो में क्या कमियाँ रहेगी हमें ज़रूर बताएं जिससे कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।